देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइनर बॉर्डर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये गाजरी कलर का ऊन लिया हुआ है। आप कोई सा भी कलर, लाइट कलर या डार्क कलर ले सकते हैं, लेकिन लाइट कलर में ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बन के आता है। आप बेबी पिंक कलर भी ले सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 3 के मल्टीपल फंदे लेने हैं, यानी 3 के गुने के हिसाब से प्लस 2, यानी 3 के हिसाब से अगर आप 30 फंदे ले रहे हैं तो उसमें 2 यानी 32 फंदे करेंगे। ऐसे ही 2 फंदा आपने एक्स्ट्रा रखना है और ये डिज़ाइन 3 के मल्टीपल बनेगा। तो यहाँ पे चलिए हम फंदे लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं फंदे हम कैसे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 नंबर की सिलाई ली है, नॉर्मल ऊल लिया हुआ है हमने, ये बेबी ऊल है। तो यहाँ पे हम 18 फंदे डालेंगे, 3 × 6 = 18 और प्लस 2 फंदा एक्स्ट्रा, यानी टोटल हमने यहाँ पे 20 फंदे लेने हैं। ठीक है, मैं आप लोग को थोड़े से में ही फंदे में डाल के दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैंने कोई नॉट नहीं लगाया है, यहाँ पे देखिए 2 फंदे हमारे बन गए हैं। अब देखिए ऐसे ही आपने ज़्यादा टाइट फंदे नहीं लेना है, ना ही ज़्यादा लूज। जो हमने ये डबल किया ये हमारे राइट हैंड में रहेगा सीधे साइड, और जो सिंगल धागा है वो लेफ्ट में रहेगा यानी बाएं तरफ। तो ऐसे ही आपने 20 फंदे डाल लेने हैं। देखिए बहुत इजी डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा बन के आता है। आप इसे जैकेट, कार्डिगन या किसी भी बॉर्डर या पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हैं। इसे जेन स्वेटर में भी आप लोग डाल सकते हैं। ऐसे देखिए पहले आपने फंदे डालने सीखने हैं। चलिए यहाँ पे हम 20 फंदे डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 20 फंदे यानी 20 फंदे हमने यहाँ पे डाल लिए हैं। 20 फंदे डालने के बाद देखिए पहले सिलाई को तो हम नॉर्मल बना लेते हैं। डिज़ाइन की पहली रो है तो पहली सिलाई को हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना रहे हैं। आपको जितना भी फंदे रखने हैं आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन की ये पहली लाइन है, इसको सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अच्छे से समझिए आप लोग, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए। जब आप लोग एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग को ये बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत इजी डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा कोई भी डिज़ाइन पहले आप लोग को समझना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारी पहली रो हो गई है यानी पहली लाइन। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले फंदे को एज स्टिच उतारा यानी उतार दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, एक फंदे। फिर यहाँ पे देखिए एक फंदे हम ऐसे उतारेंगे, ये तो उतारना ही हमने स्टार्टिंग का, एक और उतारा। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे हम उल्टा बनाएंगे, 1 2, 2 फंदा बना लिया फ्रेंड्स। एक फंदे जो ये हमने उतारे थे इसको अब हमने इस साइड ला के बनाना है, क्योंकि इसको हमने बनाया नहीं था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस फंदे को हमने ऐसे लिया और ये दोनों फंदे हम इस सिलाई पे ले लिए और इस फंदे को हमने ऐसे बुन दिया। ये देखिए ऐसे, फिर से देखिए एक फंदे हमने ऐसे उतार लिया, यहाँ पे 2 फंदे बनाएंगे, 1 2। अब देखिए जो फंदे हमने उतारे थे ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी डिज़ाइन है। जो फंदे हमने देखिए ये उतारे हुए फंदे हैं, इसको हमने इस साइड ला के बुनना है। इसको हम ऐसे करेंगे, इस सिलाई पे ले लिए, ये दोनों फंदे ऐसे, इसको हमने सीधा बना दिया। फिर से हमने एक फंदे उतारे, 2 फंदे बुना सीधा, जो हमने उतारा है उसको हम इस साइड ऐसे इस सिलाई पे ले लिए, बाकी दोनों फंदे हमारे इधर आ जाएंगे। देखिए ऐसे ही हमारी डिज़ाइन अभी ये ऐसे बन रही है, ठीक। फिर से हमने एक फंदे उतारे, 1 2, 2 फंदे बुना, जो उतारा वाला फंदा है उसको हम आगे की साइड लेंगे, इन दोनों फंदे को हमने
इस सिलाई पे ले लिया और जो उतारे हुए फंदे को इसको हमने ऐसे सीधा बना दिया। फिर से एक फंदा उतारा, एक दो, उतारे हुए फंदे को हम इस साइड लाएंगे, इसको हमने ऐसे दोनों फंदे को इस पे उतार लिया। फिर से देखिए, एक फंदे हमने ऐसे उतारा और दो फंदे यहाँ पे बुनेंगे, दो उतारे हुए फंदे को इस साइड लाएंगे, दोनों फंदे को इस पे ऐसे उठाया, फिर से हमने इसको सीधा बुन लिया, एक फंदा बचा है इसको हमने ऐसे नॉर्मल सीधा बुन लिया। तो देखिए पहली रो ऐसे डिज़ाइन की है जो बन रही है, ऐसे बनेगी। अब देखिए हम पीछे की साइड आ गए हैं डिज़ाइन के, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा तीन तीन फंदे का देखिए बन के आया है। तो पहले फंदे को हमने एज स्टिच उतार लेना है, ठीक। यहाँ पे जो तीन फंदे हैं, देखिए तीन फंदे का ये जोड़ा है, देखिए दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये तीन फंदे हैं जो सबसे पहले हमने ये वाले फंदे को बुनना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, उल्टा इसको हम बनाएंगे, एक फंदे को हमने ऐसे इसको बुना, ठीक। अब इस फंदे को हमने गिराना नहीं है फ्रेंड, उसके बाद हम पहले फंदे को बुनेंगे, ठीक। उल्टा इसको गिराया, फिर इस फंदे को हम बुनेंगे उल्टा, और इसको भी हम साथ में ऐसे गिरा देंगे। फिर से देखिए ये तीन फंदे हैं, तो पहले हमने स्टार्टिंग में देखिए इस फंदे को हमने नहीं बुनना है, ठीक। ये वाले फंदे को हम बुनेंगे उल्टा, देखिए ऐसे। इसको बुनने के बाद फिर हमने इन दोनों फंदे को बुनना है, पहले वाला और फिर ये दूसरे वाला फंदा, फिर इस फंदे को भी हमने ऐसे साथ में गिरा देना है। फिर से देखिए तीसरा वाला फंदा हम बना रहे हैं उल्टा, फिर पहला फंदा, फिर से हमने इसको ऐसे गिरा देना है। ये देखिए जो तीन फंदे का हमारा है उसी पे हमारी ये डिज़ाइन बन रही है। फिर इसको बनाएंगे, इसको गिराया, दूसरा फंदा, ठीक है, इसको भी गिरा देंगे। दो, एक फंदा ये हमने बनाना है, ये तो पहले से बुना था तो इसको भी ऐसे गिरा देंगे। फिर से यहाँ पे तीन फंदे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैं एकदम धीरे धीरे आप लोग को बता रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक। ये देखिए लास्ट वाले फंदे को नॉर्मल बना देंगे, बहुत इजी डिज़ाइन है, बस थोड़ी सी आपने यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए अब देखिए मैं यहाँ पे एक फंदा उतारा। अब देखिए पहले क्या था, हमने पहले देखिए हम यहाँ पे दो फंदे उतारते थे, ठीक है। अब हम ये हमारी डिज़ाइन जिगजैग बनेगी, पहले इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, ठीक। इसको क्या करना है, एक फंदा तो हमने ये पहले वाले स्टार्टिंग वाला उतारना ही है, फिर एक फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर से तब एक फंदा हम यहाँ पे उतारेंगे, पहले दो फंदे के बाद डिज़ाइन हमने बनाते थे, अब तीन फंदे के बाद, बस यही ध्यान देना। अब देखिए दो फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे, एक दो, और जी ये उतारा हुआ फंदा है इसको देखिए हम इस साइड लाएंगे, और इन दोनों फंदे को हमने ऐसे इस पर उठा लेना है। ये देखिए ऐसे, पहले इधर गया हमारी डिज़ाइन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ब्राइटनेस है इसलिए क्लियर नहीं, इधर जाएगा डिज़ाइन फिर इधर जाएगा, ठीक। अब देखिए एक फंदे हमने यहाँ पे ऐसे उतारा, बाकी का प्रोसेस वही रहेगा, बस स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे तीन फंदे किए हैं, एक दो, और ये वाले फंदे हमने ऐसे लेके फिर इन दोनों फंदे को इस पर करेंगे और इसको हम बना देंगे। फिर से एक फंदा उतारा और दो फंदे यहाँ पे बुनेंगे, एक दो, इधर वाले फंदे को हम इस साइड लाएंगे,
ये देखिए अब इसको हमने ऐसे सीधा बना दिया। फिर से देखिए एक फंदा उतारा, एक दो, इस वाले फंदे को इस साइड लाएंगे। ये देखिए फंदा उतारा और यहाँ पे दो फंदे, एक दो, ये वाले फंदे में इस साइड लाएंगे। लास्ट में देखिए हमारे तीन फंदे बच रहे हैं तो इसको हम सीधा सीधा बुन देंगे। स्टार्टिंग में भी तीन फंदे हमने लिए थे नॉर्मल, और लास्ट में भी हमारे तीन फंदे बच रहे हैं। तो हमारी डिज़ाइन देखिए कुछ ऐसे बन के आई है। पीछे की साइड से देखिए क्या करना है हमने, पीछे की साइड से भी हमारी ये तीन तीन के जो जोड़े हैं, पहले फंदे को हमने उतार लिया, दो फंदे हम नॉर्मल बुनेंगे। जैसे हमारे नॉर्मल से यहाँ पे तीन फंदे हो गए। अब देखिए तीन फंदे में हमारी जो डिज़ाइन बनी है वही हमने करना है। पहले इधर वाले फंदे पे हमने बुनाई किया उल्टा, फिर इस पे बुनाई किया दूसरे नंबर पे फंदे पे। ये देखिए अब इसको हमने ऐसे उतार दिया। फिर से यहाँ पे तीन फंदे हैं, तो देखिए पहले इधर वाले को हम बुनेंगे, इस फंदे को हमने गिराना नहीं है, गिर ही नहीं पाएगा, फिर इस वाले फंदे पे और फिर ये दूसरे नंबर पे फंदे पे इसको ऐसे गिराना है। देखिए इधर वाले फंदे को बुना, फिर इधर वाले, जैसे अभी हमने उस साइड किया था सेम प्रोसेस वही रहेगा। बस हमने अपने फंदे को स्टार्टिंग में मैं दो फंदे बनाने के बाद डिज़ाइन बना था, दूसरी रो वाली डिज़ाइन वाले में हम तीन फंदे, एक फंदे उतारेंगे, एक फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा उतार के बनाएंगे, बाकी का हमने ऐसे ही बुनना है। तो ये हमारी डिज़ाइन देखिए कुछ ज़िगज़ैग ऐसे बनेगी। अभी मैं लास्ट में आप लोग को दिखा भी दूंगी। अब देखिए फिर क्या करना है आपने, अभी तक आपने तीन फंदे लिए थे, अब देखिए एक फंदे तो हमने ये उतारना ही है, फिर एक फंदे हम ऐसे उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दो, फिर ये वाले फंदे को हमने इस सलाई पे लेना है, इसको ऐसे गिरा के इन दोनों फंदे को ले लिया और इसको हमने बुन दिया। ठीक, फिर से देखिए एक फंदे हमने ऐसे उतार लिया, दो फंदे हम नॉर्मल बनाएंगे, फिर से ऐसे ही हमने रिपीट करनी है डिज़ाइन। इधर ले गए, एक फंदा उतारना है, दो फंदे बुनने हैं, एक दो। अब देखिए इन दोनों फंदे को हमने ऐसे इस पर ले लेना है, इसको बुनना है, एक फंदा उतारा, एक दो, इसको इधर लिया, इसको बुन दिया, एक फंदा उतारा, दो फंदा बनाएंगे, एक दो, उतारा हुआ जो फंदा है उसको हम आगे की साइड लाएंगे ऐसे, और इसको हमने बुन देना है। फिर से एक फंदा उतारा, दो फंदे बुनेंगे, और ये जो उतारा हुआ फंदा है इसको हम इस साइड लाएंगे, दोनों फंदे को इधर, एक फंदा हमारा इधर बचेगा तो इसको हम नॉर्मल। पीछे की साइड से फिर से हमने वही प्रोसेस करना है फ्रेंड्स, वही बार बार हमने रिपीट करना है। डिज़ाइन ऐसे बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर से पीछे से हमने एक फंदे उतारेंगे, फिर ये तीसरा वाला पहले बुनेंगे, फिर दो इधर,
ठीक है, तो ऐसे ही आपने रिपीट करना है। बस आपने इधर के साइड ही ध्यान देना है कि पहले इधर दो फंदे हमने बना के फिर डिज़ाइन बनाना शुरू किया था, और सेकंड वाली जब रो बनेगी आगे की साइड से तो तीन फंदे बना के फिर डिज़ाइन, तो ये हमारी जिगजैग डिज़ाइन बनती हुई जाएगी। तो चलिए अब दिखा देते हैं, ये डिज़ाइन बनने के बाद लाइट कलर में ऐसे आएगी, इसमें कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो।